और फिर बावा एक जॉम्बीज का मुंडी को ही टेढ़ा कर देते हैं, जिसे देखकर तो बावा भी डर जाते हैं। दोस्तों, और आप लोगों ने गुल्ली बुली और श्रापित प्लेट का हॉरर स्टोरी का पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरे तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सॉन ऑनलाइन गेम खेलकर दुबई जाने का टिकट जीतता है। एयरपोर्ट जाने के लिए सारे लोग निकल जाते हैं, तभी रास्ते में गुल्ली बुली सॉन का एक्सीडेंट हो जाता है और जीप पलट जाती है। तभी वहाँ पर एक पुराना बस आता है, सारे लोग उस बस में बैठकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। और एयरपोर्ट जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि प्लेन काफी ज्यादा खटारा है। बुल्ली बोलता है फ्री की चीजें ऐसे ही होते हैं, और फिर सारे लोग एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। लेकिन ये एरोप्लेन एक श्रापित प्लेन होता है। और अब आगे देखिए, अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि प्लेन की दीवारों पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ होता है। गुल्ली बोलता है ये प्लेन है या फिर पुराना हॉस्पिटल, यहाँ पर तो जगह जगह पर खून लगा हुआ है और इसके अंदर तो गंदी बदबू भी आ रही है। सॉन बोलता है हाँ गुल्ली, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं हम लोग किसी बड़े मुसीबत में ना पड़ जाए। सॉन की बात सुनकर गुल्ली काफी ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है सॉन, तुम जहाँ भी जाते हो तुम ऐसी मनहूस बातें ही करते हो, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें चलते हुए प्लेन से बाहर फेंक दूंगा। मगर क्यों? गुल्ली बोलता है बुल्ली सॉन बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे भी ये प्लेन कुछ ठीक नहीं लग रहा। बुल्ली बोलता है गुल्ली फ्री की चीजें ऐसे ही होते हैं, और अगर तुम्हें इस प्लेन में सफर नहीं करना है तो तुम उतर सकते हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं दुबई जाकर ही रहूंगा। गुल्ली बोलता है ठीक है बुल्ली, तुम जो बोलोगे वही होगा, ऐसे भी ये प्लेन की टिकटें सॉन ने काफी मेहनत से जीती है। और फिर सारे लोग प्लेन की सीट पर बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता है ऐसे सॉन, तुमने प्लेन में तो कभी नहीं बैठा होगा। सॉन बोलता है मैं क्या, बल्कि मेरा बाप दादा भी प्लेन में कभी नहीं बैठा है, मेरा बाप दादा तो साइकिलें चले चले से मर गया। सॉन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली हंसने लगते हैं। बुल्ली बोलता है मुझे काफी जोर की भूख लगी हुई है। सॉन बोलता है थोड़ा इंतजार करो बुल्ली, मैंने तो ये सुना है कि प्लेन में फ्री का खाना मिलता है। गुल्ली बोलता है सॉन तब तो ये तुम्हारी बहुत ही मजे की बात है, तुम तो जरूर यहाँ से पूरी चुरा कर घर ले जाओगे। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली हंसने लगता है। सॉन बोलता गुल्ली मैंने पूरी चुराने का काम पहले ही छोड़ दिया है और अब तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। और फिर सॉन खिड़की से प्लेन के बाहर का नजारा देखने लगता है। और फिर तभी गुल्ली बोलता क्या हुआ सॉन, तुम इतनी जोर से चीख क्यों रहे हो। सॉन बोलता गुल्ली बुल्ली अभी मैंने प्लेन की खिड़की से उसी औरत को लटकते हुए देखा है जिस औरत के कारण हमारी जीप का एक्सीडेंट हुआ था। बुल्ली बोलता ये कैसे हो सकता है सॉन, आखिरकार वो औरत इस प्लेन की खिड़की से कैसे लटक सकती है। सॉन बोलता हाँ बुल्ली मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैंने उस औरत को इस खिड़की से लटकते हुए देखा है। गुल्ली बोलता है लगता है कि सॉन का एक्सीडेंट में दिमाग पर चोट लग चुका है, इसीलिए सॉन को ऐसे वहम हो रहा है। सॉन बोलता है मेरा यकीन करो गुल्ली बुल्ली, मैंने सच में उस औरत को इस खिड़की से लटकते हुए देखा है। गुल्ली उठता है और खिड़की के पास जाकर इधर उधर देखने लगता है। गुल्ली बोलता है सॉन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम मत डरो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और फिर गुल्ली वापस अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। और इधर सॉन डर के कारण काफी ज्यादा कांप रहा है। तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी आता है और गुल्ली बुल्ली सॉन के बगल वाली सीट पर जाकर ही बैठ जाता है। बुल्ली बोलता है लगता है कि इस बूढ़े ने भी दुबई जाने का फ्री का टिकट जीता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली मुझे सॉन की काफी ज्यादा चिंता हो रही है, सॉन को जरा देखो वो कितना डरा हुआ लग रहा है। बुल्ली बोलता है बस इतनी सी बात, अभी मैं सॉन का मूड फ्रेश करता हूँ। गुल्ली बोलता आखिरकार तुम करने क्या वाले हो बुल्ली। बुल्ली अपने सीट से उड़ जाता है और उस बुड्ढे के पास चला जाता है। बुल्ली अपने पैकेट से कंघी निकालता है और उस बुड्ढे को बोलता है ये लो कंघी अपना बाल झाड़ लो। मैं नहीं ले सकता। क्यों, तुम्हारे बाल नहीं है क्या? अरे ये क्या, उस बुड्ढे ने तो बुल्ली का एक घूसे में ही पूरा सिस्टम हिला दिया है। बुल्ली का ऐसा हाल देखकर तो गुल्ली और सॉन दोनों हंसने लगते हैं। गुल्ली बोलता क्या हुआ बुल्ली, तुम तो सॉन का मूड ठीक करने गए थे, यहाँ तो तुम्हारा ही मूड बिगड़ गया, और अब चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और फिर थोड़ी देर में प्लेन स्टार्ट हो जाती है। गुल्ली बुल्ली सॉन खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता वाह सॉन, आज तुम्हारे वजह से हम लोग को ऐसा नजारा देखने का मौका मिला है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सॉन बोलता मेरा तारीफ करना बंद करो और सफर का मजा लो। तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली सॉन के लिए खाना भी आ जाता है। खाने का प्लेट देखकर तो बुल्ली के मुंह में पानी आ जाता है।
गुल्ली उस एयर होस्टेस को देखकर सीटी बजाता है। गुल्ली की ऐसी हरकत देखकर एयर होस्टेस गुल्ली को पटक पटक कर मारने लगती है। साले तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? और अगर अगली बार ऐसी हरकत किया तो मैं तुम्हें चलते प्लेन से नीचे फेंक दूंगी, कल मुंह है। गुल्ली को लड़की से पीटता देख बुल्ली और सोन जोर जोर से हंसने लगते हैं। बुल्ली बोलता, गुल्ली क्या तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? तुम ऐसी छिछोरी हरकतें क्यों करते हो? गुल्ली बोलता, मुझे मजा आता है। सोन बोलता, वो तो हमें दिख ही रहा है कि तुम्हें कितना मजा आ रहा है। बुल्ली बोलता, ये सब छोड़ो, पहले तो तुम ये देखो कि हमें खाने में क्या मिला है। गुल्ली और सोन अपने प्लेट में देखते हैं तो वहाँ पर तो मरा हुआ चूहा रहता है। गुल्ली बुल्ली और सोन ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। गुल्ली बोलता, अभी मैं पायलट से जाकर शिकायत करता हूँ कि हमें खाने में मरा हुआ चूहा मिला है। और फिर गुल्ली पायलट के पास जाने लगता है। सोन बोलता, बुल्ली हमारे साथ इस प्लेन में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही है। बुल्ली बोलता, हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और तुमने तो प्लेन की खिड़की से लटकते हुए एक औरत भी देखा था। सोन बोलता, हाँ बुल्ली, और मुझे तो ये टकला भी अजीब लग रहा है जिसने तुम्हें बहुत मारा था, और इतनी देर हो गई और अभी तक गुल्ली भी वापस नहीं आया है। बुल्ली बोलता, हाँ सोन मुझे बहुत ही ज्यादा गुल्ली की चिंता हो रही है, हमें गुल्ली के पास जाकर गुल्ली को देखना चाहिए। तभी पायलट के कैबिन की तरफ से किसी की चीखने की आवाज आती है, बचाओ। सोन बोलता, बुल्ली ये आवाज तो गुल्ली की है, लगता है कि गुल्ली किसी बड़े मुसीबत में पड़ा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर बुल्ली और सोन गुल्ली की तरफ दौड़ लगा देते हैं, जहां पर जाकर वो लोग देखते हैं कि गुल्ली जमीन पर गिरा हुआ रहता है, और प्लेन का पायलट जॉम्बी की तरह धीरे धीरे गुल्ली की तरफ बढ़ रहा होता है। पायलट को देखकर बुल्ली और सोन समझ जाते हैं कि इस प्लेन में सारे लोग जॉम्बी बैठे हुए हैं। बुल्ली पीछे से जॉम्बी को एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि वो जॉम्बी सीधा एरोप्लेन के सिस्टम पे गिरता है और एरोप्लेन का सिस्टम हैंग हो जाता है और वो प्लेन जंगल में क्रैश हो जाता है। लगता है कि सारे लोग मर चुके हैं, अभी हम जिंदा हैं और हम लोग भी। गुल्ली बुली सोन जैसे तैसे खड़ा होते हैं और अब सारे जॉम्बीज भी गुल्ली बुली की तरफ ही देख रहे हैं। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाता है, भाग रे लैला, रन। लेकिन अब गुल्ली बुली सोन को भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे बब्बर शेर बाबा आ चुके हैं। बाबा को देखकर गुल्ली बुली सोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सोन बोलता, लड़ना है तो हमारे बाबा से लड़कर दिखाओ, ये अकेला ही तुम सब पर भारी पड़ जाएगा। और सोन की बात सुनते ही दो जॉम्बीज बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं, और फिर क्या था, बाबा भी शुरू हो जाते हैं। बाबा बाबा गरम कर दो तावा। और फिर बाबा एक जॉम्बीज का मुंडी को ही टेढ़ा कर देते हैं, जिसे देखकर तो बाबा भी डर जाते हैं, और फिर सारे जॉम्बी जंगल में भाग जाते हैं। बुल्ली बोलता, वाह बाबा मुझे पहले ही पता था कि आप हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन अब हम लोग घर जाएंगे कैसे, क्योंकि हमारा प्लेन तो क्रैश हो चुका है और आपके बाइक में तो इतना जगह है नहीं कि हम लोग सारे लोग जा सके। बाबा बोलते, मैं हूँ तो तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो, अभी मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। और फिर बाबा फोन कर हेलीकॉप्टर मंगा लेते हैं। हेलीकॉप्टर को देखकर तो गुल्ली बुल्ली सोन काफी खुश हो जाते हैं, और फिर सारे लोग हेलीकॉप्टर पर बैठकर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको किसी अगले मजेदार वीडियो में, और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।